दोस्तों, ये अल्फाज सैयदा आयशा सिद्दीका के हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से कभी किसी पर इतना रश्क नहीं किया जितना मैंने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर रश्क किया। आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद भी जब भी घर में गोश्त पकता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की सहेलियों को वो गोश्त बतौर तोहफा भेजा करते थे। और मैं कहती थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सैयदा खदीजा से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे खदीजा के जैसी कोई और औरत ही नहीं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा से फरमाते कि हाँ, खदीजा के जैसी और कोई नहीं। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी सारी औलाद भी खदीजा से है, क्योंकि सिर्फ एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद, जिनमें चार बेटियां और बाकी दो साहबजादे, सारी की सारी औलाद सैयदा खदीजा से पैदा हुई। और दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, यह हदीस आपको बुखारी और मुस्लिम दोनों में मिलेगी। आप फरमाते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात खुद बताई कि एक मरतबा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाकर या सालन पकाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उस वक्त हज़रत जबरील अमीन मेरे पास आए और मुझसे आकर कहने लगे कि आपकी बीवी आपके लिए खाना लेकर आ रही है, और उस बीवी से आप कहिएगा कि अल्लाह ताला उस पर सलाम भेजता है, और हज़रत जबरील अमीन भी आपकी इस बीवी पर सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह, ज़रा तसव्वुर तो करके देखिए कि आपको बताया जा रहा हो कि आप पर अल्लाह सलाम भेज रहा है। और दोस्तों, जब सैयदा खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना ले आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा से फरमाने लगे कि ऐ खदीजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सलाम भिजवाया है और जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने भी आपको सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, अब मैं जो आपको हदीस बयान करने लगा हूँ वो बहुत ही रिकत अंगेज़ है। यह हदीस आपको अबू दाऊद और मसनद अहमद में मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद था जिसका नाम अबू अल आस था। वो उस वक्त काफिर था। गज़वा बदर के मौके पर वो काफिरों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ने आया था, लेकिन उसको जंगी कैदी बना लिया गया। अब कैदी के लिए असूल ये था कि कैदी को छोड़ने के लिए फ़दिया दिया जाता था और फ़दिये के अंदर माल देना पड़ता था। और उस वक्त कैदी के लिए ये था कि उसे फ़दिया देकर छोड़ दिया जाता था और फ़दिये में माल देना पड़ता था। अब उसकी बीवी जो थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी पाक की साहबजादी थी, और हमारे नबी पाक की साहबजादी की एक साहबजादी थी, यानी उनकी एक बेटी थी जिनका नाम उमामा बिनते अबी अल आस था। सही बुखारी में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गोद में उठाकर नमाज पढ़ा करते थे। जिस तरह हसन हुसैन थे उसी तरह वो भी थी। अब उसका बाप, जिसको आप गोद में नमाज़ पढ़ाते हैं, उसका जो वालिद है अबू अल आस, वो कैदी बनकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब उसकी रिहाई के लिए सैयदा ज़ैनब ने अपने गले का हार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फ़दिया भेजा, क्योंकि सैयदा ज़ैनब जानती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी सिफारिश कबूल नहीं करेंगे, और उस वक्त इंसाफ सब के लिए एक जैसा हुआ करता था। अब एक एक करके कैदी छोड़े जा रहे हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद में लिया जा रहा है कि इसने ये माल दिया, इसने ये माल दिया, इसके एवज हम इस कैदी को छोड़ रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो हार आया जो आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब ने अबू अल आस की रिहाई के लिए भेजा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिकत तारी हो गई। आप ज़ारो कितार रोने लगे। आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। पता है क्यों? क्योंकि वो हार सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, जो उन्होंने अपनी बेटी को उनकी शादी के मौके पर तोहफा दिया था। अब जब वो हार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो वो सारा फ्लैशबैक, वो सारी यादें एकदम से ताज़ा हो गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार होने लगे। आपने बाकी असहाबा को जमा करके कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो ये हार मैं अपनी बेटी ज़ैनब को वापस कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इजाज़त ली, क्योंकि ये हार मेरी बीवी का है और उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया हुआ है। और इस तरह से वो हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को वापस कर दिया। और मज़े की बात बताऊँ, इस वाक़े के बाद अबू अल आस भी मुसलमान हो गए थे।